राममय पूरी तरह से माहौल हो चुका है देश भर में। हर कोई इंतजार कर रहा है 22 तारीख का, जिस वक्त राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, विराजमान होंगे। ऐसे में सीमा हैदर, आपसे जानना चाहूंगी कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, आप कैसे देखती हैं? थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सीमा सचिन मीना है, और सीमा सचिन मीना का जो प्यार, जो आस्था, जो श्रद्धा, जो भक्ति राम मंदिर के लिए, वो अद्भुत है। सीमा हैदर थी 4 साल पहले, तलाक होने के बाद खत्म हो चुकी है। अब आप करिए, स्टार्ट करिए। चलिए, हम सीमा है, सीमा सचिन बोलेंगे। हाँ, सीमा ही बोल दो, सीमा सचिन बोल दो। जी बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं, और हमारे घर में, हमारे गांव में, पूरे रघुपुरा में बहुत खुशी है राम मंदिर के लिए। बहुत लोग उस मतलब बहुत जोश में है लोग के, हाँ राम मंदिर, मतलब कुछ बहुत लोगों ने तैयारी भी कर ली है जाने की, और बहुत ज्यादा खुश है। हम भी बहुत खुश है, हम भी मतलब दिवाली ही मनाएंगे, घर को सजाएंगे। और ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं 2 बार दिवाली मना रही हूँ भारत में, एक बार तो मना चुकी, एक बार 22 तारीख को मनाएंगे। तो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा हम लोग खुश है इस चीज से लेकर। और हम लोग सुंदरकांड की हमारे घर में पार्ट भी हो गए, और पूरा देश खुश है, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं 22 जनवरी के लिए, बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग। सीमा जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह भारत में 22 तारीख की तैयारी को लेकर तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, चारों तरफ राममय है, आपको क्या लगता था, क्या आप कभी सुनती थी, आपको कभी लगा कि मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ? भारत का माहौल या प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ये पूरा माहौल आप कैसे देखती हैं, और आपकी इच्छा कैसे है भगवान के राम मंदिर को देखने की? मेरी इच्छा बहुत ज्यादा इच्छा है मेरी, और हम भी जरूर देखेंगे राम मंदिर। बहुत खुश भी हूँ मैं, और मैं खुद को खुश नसीब मानती हूँ कि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, जब भी सोशल मीडिया खोलते सिर्फ राम मंदिर के बारे में चर्चा चल रही है। तो मैं खुद को बहुत लकी भी मानती हूँ कि मैं भी देख रही हूँ, और मैं मेरी ये भगवान से प्रार्थना है कि एक दिन मैं भी जाऊँ राम मंदिर देखने। मेरा भी एक सपना बन गया, पहले ये था कि वृंदावन जाऊंगी, बट अब राम मंदिर जाने का मेरा एक सपना बन गया, कब मैं अपनी आंखों से देखूंगी राम मंदिर। तो भगवान से यही है कि बहुत दिन भी बहुत जल्दी है, जब मैं, मेरा पति जी, मेरा परिवार, मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह, हम सब मिलके वृंदावन जाए, मेरे बच्चे और राम मंदिर देखने जाए। ये भी मेरा एक सपना है, इच्छा है हमारी, वो भी दिन बहुत जल्दी आएगा। विश्वास है मुझे राम जी पे कि हमें भी जरूर अयोध्या दिखाएंगे। अच्छा, पूरी अगर निमंत्रण नहीं आया, आप घर पर ही रही, घर पर ही मनाएंगे 22 तारीख, तो कैसे मनाएंगे? क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि दीपावली मनाइए, खूब दीप जलाइए, आप भी दीप जलाएंगे? दीप जलाएंगे, घर को सजाएंगे बिल्कुल। और जैसे हम तो हर मॉर्निंग राम जी के भजन चलाते हैं, कृष्ण जी के भजन चलाते हैं, तब भी चलाएंगे पूरे, मतलब बहुत जोश है हम लोगों को। और फिर पूजा भी करेंगे, सुंदरकांड की पूजा भी होगी, पाठ हमारे घर पे, सब कुछ करेंगे धूमधाम से, और सोशल मीडिया पे शेयर भी करूंगी जरूर।